बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बेहद विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का नहीं दलालों का आंदोलन चल रहा है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह रविवार को सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे किसानों के आंदोलन पर सवाल किया तो मंत्री जी बिफर गए। किसानों के मंत्री जी ने पत्रकारों को ही समझाना शुरू किया, दरअसल आंदोलन तो है ही नहीं, अगर किसानों को कोई दिक्कत होती, अगर किसान आंदोलन करते तो देश में आग लग जाती। मंत्री जी उल्टे सवाल करने लगे, देश में 5.5 लाख गांव हैं, किस गांव का किसान आंदोलन कर रहा है? अगर किसान आंदोलन करते तो पूरे देश में आंदोलन होता, क्या सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही किसान है, बिहार या दूसरे राज्यों में नहीं? यहाँ तक ठीक था, लेकिन मंत्री जी ने दिल्ली के बॉर्डर पर 23 दिनों से चले आंदोलन को दलालों का आंदोलन कह दिया। किसानों के मंत्री के मुंह से किसान आंदोलन पर यह तल्ख टिप्पणी नए विवादों की वजह बन जाए तो कोई अजरज नहीं। कहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं किसान, वहाँ केवल ये दिल्ली के बॉर्डर पर है, हरियाणा के बॉर्डर पर है, इस देश में 5.5 लाख गाँव है, किस गांव का किसान आंदोलन कर रहा है? यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या? कौन चीज किसान आंदोलन आप लोग बोलते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती। 5.5 लाख गांव में किसान को कोई मतलब नहीं है, और सभी कहते हैं कि नहीं जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहाँ किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आप इतना उनका नोटिस लेते हैं और इतनी आप उनकी चिंता करते हैं? किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते, गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांव में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। किसानों को खेती करने का अपना उपज बेचने की आजादी मिली है, इस कानून से उनको राहत मिली है, इसलिए देश का अधिसंख्य और बहुमत किसान करीब करीब 70% किसान खुश हैं, प्रसन्न है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।